So, hey guys, welcome back with another video after a long time. तो guys, finally मैंने YouTube की वीडियो लेके आ चुका हूँ और वो है how to do windmill. तो guys, जिसमें आप लोगों को प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा कि आपको windmill स्टार्ट कैसे करना है, अगर आप windmill में मिस्टेक करें तो वो चीज़ क्या नहीं करना है. So, बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं. सो गाइस, आपको विंडमिल स्टार्ट करना है एक वेरी गुड एंड परफेक्ट बॉडी स्ट्रेचिंग से, जिसमें क्या होगा, जब आप विंडमिल करोगे तो प्रॉपर बॉडी स्ट्रेच करोगे और आपको इंजरीज होने का चांसेस भी बहुत कम होगा. सो गाइस, अब बढ़ते हैं फर्स्ट स्टेप की तरफ. तो गाइस, फर्स्ट स्टेप में आप लोगों को फर्स्ट सीख लेना है स्टैफ फ्रीज. अगर आप लोगों को नहीं पता स्टैफ फ्रीज कैसे होता है तो देखिए, कुछ ऐसा होता है स्टैफ फ्रीज. सो जो आपका स्टार्टिंग पोजीशन होगा स्टैफ फ्रीज से, देखिए कुछ ऐसा. मेक श्योर कि जब आप स्टैफ फ्रीज कर रहे हो तो थोड़ा बॉडी ऊपर लिफ्ट करें, ताकि जब आप लेग किक करो तो प्रॉपर आप किक कर पाओ. सो गाइस, अब बढ़ते सेकंड स्टेप की तरफ और वो है किक. तो गाइस, मेक श्योर कि आपको एज इट इज स्टैप करना है. देखिए कुछ ऐसा, आपको लेग्स प्रॉपर स्ट्रेच करना है और वहाँ से ट्राई करना है कि लेग स्विंग करके किक करें. देखिए कुछ ऐसा, इस चीज़ पे फोकस करना है कि जो आप लेग किक करते हो वही लेग प्रॉपरली फ्रंट में किक आए, जिससे जब आप विंडमिल करो तो आपको किक करने में ज़्यादा से ज़्यादा ईजी हो. सो गाइज, अब बढ़ते हैं थर्ड स्टेप की तरफ और वो है हैंड ड्रॉप. तो गाइज, हैंड ड्रॉप करने से पहले आपको इस चीज़ पे फोकस कर लेना कि जब आप विंडमिल कर रहे हो, ओके, जो आपके फिंगर से प्रॉपर ओपन होने चाहिए और स्टमक में रखना है. देखिए कुछ ऐसा, एल्बो, ओके, और इसका जो डायरेक्शन हैंड पोजिशन का डायरेक्शन होगा, देखिए कुछ ऐसा. और जैसे आपका जो हैंड पोजिशन होता है एक परफेक्ट डायरेक्शन में, जैसे आप लेग किक करके विंडमिल के लिए बैक पे जाने वाले होते हो, वैसे आपका जो एल्बो है वो होगा स्लाइड. देखिए कुछ ऐसा, इससे आपको समझ में आएगा कि लेग किक करने के बाद आपको हैंड ड्रॉप कैसे करना है. बट आपको इस चीज़ पे फोकस करना है कि जब आप विंडमिल करते हो तो आपको बम टच नहीं करना है. देखिए कुछ ऐसा, ओके, आपको स्टार्ट करना है, ट्राई करना है कि प्रॉपर आप अपने बैक पे ही जाए. देखिए कुछ ऐसा, जिससे क्या होगा, जो आपका विंडमिल क्लीन होगा, परफेक्ट होगा, स्पीड भी अच्छा आएगा विंडमिल में और आपको फोर स्टेप कैसे करना है वो समझ में आएगा. सो आपको सिंपली रोल बैक टू फ्रीज कैसे करना है, ओके, प्रॉपरली लेग पीछे से बैक डाउन करो एंड वहाँ से बैक पे जाओ और वहाँ से टर्न करके बेबी फ्रीज करो. देखिए कुछ ऐसा, जिससे क्या होगा, जब आप विंडमिल करके बैक पे जाओगे, ओके, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप, फिर आपको फोर्थ स्टेप में बॉडी लिफ्ट कैसे करके सेकेंड विंडमिल के लिए कैसे जाना है वो समझ में आएगा. और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे जो आपका विंडमिल का काउंट है वो भी इम्प्रूव होगा. जितना लेग स्ट्रेच करोगे उतना विंडमिल में स्पीड अप बढ़ेगा एंड आफ्टर द प्रैक्टिस ऑफ 2 or 3 months आपका जो विंडमिल है उसका स्पीड होगा. देखिए कुछ ऐसा. सो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपका विंडमिल और इम्प्रूव होगा एंड आप विंडमिल में और भी वेरिएशन कर सकते हो. तो गाइज, ये था विंडमिल ट्यूटोरियल. आई होप कि आपको समझ में आया हो कि विंडमिल कैसे करना है. तो गाइज, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो या मुझे कमेंट करके बता सकते हो. और अगर मेरे चैनल पर अपनी हो तो मेरे चैनल पर जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले मेरी कोई भी अपकमिंग वीडियो आप मिस ना कर पाए. सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. Peace.